गुड इवनिंग एवरीवन। और मेरा ये ब्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए, आज मैं मोमो बनाऊँगी। उसके लिए मैंने लिया है लहसुन कुटी हुई, अदरक कुटी हुई, और ये जो बंद गोभी है बिल्कुल बारीक कटी हुई, प्याज बारीक कटी हुई, और कैप्सिकम बिल्कुल बारीक कटी हुई सब, और ये ग्रीन चिली, और ये कद्दूकस कर लिया पनीर तो, और ये मैदा है, अब इसको गूंथ लेंगे हम। तो ये देखिए, ये सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं आज आपको स्ट्रिप्ड जो मोमो होती है, और ये है ब्लैक पेपर, इसको भी थोड़ा यूज़ करूँगी। तो ये स्ट्रिप्ड फूड जो मोमो आज आपको मैं बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले मैदा में थोड़ा नमक दे दूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। और मोमो का आटा जो होता है दोस्तों, बहुत ही ना ज़्यादा टाइट होता है और ना ज़्यादा नरम होता है, तो मीडियम इसको डो बनाना है इसका। तो देखिए, अभी पानी हल्का हल्का देके, इसको एकदम से पूरा पानी नहीं देंगे, हल्का हल्का करके एक अच्छा सा मीडियम सा एक डो बना लेंगे। और देखिए, यहाँ पे मैंने डो बना लिया है और इसको बहुत ही अच्छा से अभी मिक्स कर लेंगे, और इसमें मुक्के चला लूँगी बहुत, और अभी इसको रेस्ट करने रख दूँगी 15 मिनट से 20 मिनट तक, इसको रेस्ट करने रख देंगे। और जब इसको रेस्ट करने दूँगी, थोड़ा सा तेल, कोई भी तेल, मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है, और थोड़ा सा आप चाहे तो घी भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ही लिया है। रिफाइंड ऑयल इसमें लगा के इसमें इसको रेस्ट करने के लिए 20 मिनट अलग रख देंगे। इसको भी थोड़ा सा देखिए मिक्स कर लेंगे अच्छा से, ऑयल को भी इसके साथ, और बहुत ही अच्छा से अभी इसको एक अच्छा सा ढक के इसको रेस्ट करने रख देंगे 20 मिनट के लिए। तो देखिए, एक बड़ा सा बाउल लेंगे और उसमें जो कटी हुई सब्जियां हैं सब एक एक करके मिला लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बंद गोभी जो कटी हुई है उसको ले लिया है, और अभी इसमें कैप्सिकम जो है उसको ले लिया है, और जो बारीक कटी हुई प्याज है उसको भी ले लूँगी। अब जो है ये तीनों को बहुत ही अच्छा से हम मिला लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसमें अभी नमक दे देंगे। नमक दे के बहुत अच्छे तरह से 10 मिनट के लिए अभी इसको रख देंगे, और फिर अपने हाथों से जो छान लेना है, हाथों से ही छानना है, ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। पानी रहने के लिए अगर रह जाता है तो मोमो फटने का डर रहता है ज़्यादा, अगर इसमें पानी रह जाती है तो, इसीलिए हम थोड़ा इसमें पानी तीनों को एक साथ मिला के नमक दे के जो पानी होता है इसको छान लेंगे, और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने दे देंगे, ताकि जो पानी है वो ऑटोमेटिक ही नीचे आ जाए। देखिए, अच्छा से मैंने मिला लिया है, और देखिए अभी हाथों से इसको छान लेंगे। देखिए, इसको हाथों से छान लेंगे, और देखिए आप देख सकते हैं ये पूरा कितना नीचे पानी आ गया है। अब इसको पानी को अलग कर देंगे इससे, ये देखिए पूरा हाथों से अच्छा से छान लेंगे, और आप देख सकते हैं कितना पानी आ गया है इसमें नीचे। अब देखिए, जो ग्रेटेड किया हुआ, जो कद्दूकस किया हुआ पनीर था वो, और अदरक लहसुन इसमें मिला देंगे। ये देखिए, अदरक लहसुन का जो पेस्ट है और कद्दूकस किया हुआ पनीर, इसके साथ जो छनी हुई चीज़ है उसके साथ एक साथ मिला लेंगे। अब मिला के इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नमक देंगे, स्वाद अनुसार नमक देंगे, क्योंकि इसका बात का ध्यान रखना है, पहले भी हम नमक यूज़ कर चुके हैं, तो इसलिए नमक हम लाइट ही देंगे। और देखिए, अभी ग्रेट किया हुआ यहाँ पे ब्लैक पेपर जो है इसको दे देंगे।
ब्लैक पेपर का जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे मोमो का स्वाद और निखर के आती है, तो इसीलिए ब्लैक पेपर। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे दिया है तो मोमो का स्वाद और भी निखर के आता है इसीलिए। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छा से। हम यहाँ पे थोड़ा सा बटर यूज़ करेंगे। ये जो मिश्रण है यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं बटर यूज़ करूँगी तो इसके मोमो के अंदर की जो स्टफिंग होती है बहुत ही एक अच्छा सा स्वाद आता है इसमें। तो ये छोटी सी एक ट्रिक्स है मोमो के लिए, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, और आप मेरा यकीन मानिए इससे मोमो का स्वाद और 10 गुना बढ़ जाती है। ये एक सीक्रेट है। तो देखिए अभी ये जो रखा था मैंने मोमो के लिए आटा मैदा, और इसको अभी अच्छा से बहुत ही छोटे छोटे करके अभी इसका जो है लड्डू बना लेंगे। पहले इसको देखिए मैंने चार हिस्सा में इसको वो कर लिया है, चार से छः हिस्सा इसको कर लेना है, और उसके बाद इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। अभी मैंने छोटा छोटा इसमें लड्डू बना लिया है, बिल्कुल छोटा छोटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ये जो है ये गोल गोल करके पेड़े के जैसे बना के, और थोड़ा सा यहाँ पे पहले आटा छिड़क लेंगे, और इसका जैसे पूड़ी बनता है छोटा छोटा पूड़ी वैसे शेप में इसको गोल गोल बना लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा आटा कर लिया है, आटा ताकि ये चिपके ना। थोड़ा सा पूड़ी जैसे हम करते हैं गोल, और आपको ऐसे देखना है कि ना ज़्यादा पतला हो ये, ज़्यादा मोटा भी ना हो, मीडियम करके आपको रखना है। ना ज़्यादा पतली होगी ना ज़्यादा इस ये मोटा होगा। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ऐसे, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। तो देखिए अभी इसको जो स्टफिंग मैंने रखा है मोमो के लिए अब इसको दे देंगे चम्मच से, ये देखिए, और ऐसे चुन्नट टाइप का करके ये देखिए। ये गोल टाइप का किया है मैंने, इसका दो तीन तरह का बनता है, आप कोई भी शेप आपको जो पसंद है। ये देखिए एक गोल शेप में मैंने मोमो जो होता है वो किया है, आप चाहो तो आपको जो शेप पसंद है आप इसमें कर सकते हैं। तो देखिए और एक आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए थोड़ा सा स्टफिंग लेके, और ये चुन्नट जैसा, ये देखिए ऐसे करके, और ये पूरा ऐसे, ये देखिए पूरा मोमो का जैसा शेप में आ गया ये, ये देखिए। तो ऐसे करके सारा मोमो जो है अभी बना लेंगे। और बहुत ज़्यादा स्टफिंग आप इसमें नहीं भरिएगा ना, तो ये फट भी सकता है मोमो, तो मीडियम जो जितना ये ले सकता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये फट भी जाएगा। ये देखिए और देखिए कितना अच्छा ये बन के तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा, एकदम प्रोफेशनल जैसे मोमो बनती है वैसे ही। ये देखिए तो चलिए अभी इसको हम बॉयल कर लेते हैं मोमो को। तो यहाँ पे मैंने ये कढ़ाई दे दिया है, और कढ़ाई में पानी दे दिया है, ठीक है,
और ये ऊपर से जो छलनी होती है उसको रखा है, क्योंकि मेरे पास जो मोमो के बर्तन है वो नहीं है। अगर आपके पास है तो आप उसमें कर सकते हैं, तो मेरे पास मोमो के बर्तन नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पे ही किया है। एक कढ़ाई रखा है और कढ़ाई में 2 कप के जैसे पानी दिया है, 2 ग्लास, और उसके ऊपर एक छलनी रखा है, गैस को ऑन कर दिया है। और अब जो मोमो है वो एक एक करके अभी इसको स्टीम कर लेंगे। एक एक करके दे दिया है, देखिए और इसको अच्छा से तेल लगा लेंगे। ये जो छलनी है इसमें आपने देखा है मैंने तेल लगा लिया है। तेल इसलिए लगाया है कि ताकि ये चिपके ना, जब ये बॉयल हो जाए तो बहुत आसानी से ये उठ जाए। तो अभी इसको ढक लेंगे और ढक के मीडियम फ्लेम पे मैं 20 मिनट, एकदम घड़ी देख के 20 मिनट तक इसको पकाऊंगी। मीडियम, ना ज़्यादा हाई रहेगा मेरा गैस, ना ज़्यादा कम रहेगा। और ये देखिए 20 मिनट के बाद की ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम गरम गरम मोमो बनके तैयार। और मोमो जो बना है बहुत ही अच्छा, इसका जो देखने में भी आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आई होप कि आपको बहुत पसंद आया मोमो। आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बोलिए कि कैसा लगा आपको ये मेरी रेसिपी। तो चलिए अभी मोमो की जो चटनी होती है, जो रेड चटनी, उसको बना लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अभी कढ़ाई गरम कर लेंगे। देखिए अभी कढ़ाई पे मैंने पानी दे दिया है, ये देखिए ये 2 कप जैसे पानी है। अब इसमें देखिए मैं ये रेड चिली, जो सूखी मिर्च है, रेड चिली दे देंगे। ये 10 से 12 रेड चिली है, आप चाहे तो अपना अनुसार दे सकते हैं। और देखिए अब इसको गर्म पानी जब होगा तब इसमें बहुत अच्छा से इसको अभी पका लेना है। और ये देख सकते हैं आप, ये पक गया है लाल मिर्च। अब इसमें 2 हिस्से में काट के टमाटर इसमें दे देंगे और इसको भी बहुत ही अच्छा से एकदम नरम होने तक पका लेंगे। और ये ऐसे पकेगा जब तक कि टमाटर के जो छिलका है वो एकदम अलग ना हो जाए, तब तक हमें इसको पका लेना है। और अभी ये देख सकते हैं आप, ये पक गया है और इसका छिलका जो है वो भी अलग हो चुका है। ये देखिए ये छिलका अलग हो चुकी है, इसका मतलब है ये अभी पक चुका है। तो अभी चलिए आपको दिखा देते हैं, ये बिल्कुल ही अलग हो चुका है छिलका। तो ऐसे ही ये देखिए ये छिलका बिल्कुल अलग हो चुका है, तो इसका मतलब है ये पक चुका है। अब इसको ठंडा कर लेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल ही ठंडा हो चुका है। अब इसमें इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। और ये हमने मिक्सी में इसको पीस लिया है, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो चलिए अभी इसको हम बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने अभी कढ़ाई गरम कर लिया है। अभी कढ़ाई में रिफाइन ऑयल दे दे रही हूँ, थोड़ा सा, ज़रा सा देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। अब जैसे ही ये गरम हो जाए, जैसे ही ये गरम हो जाए तेल, वहाँ पे ये पिसी हुई लहसुन जो है वो दे देंगे। ये देखिए लहसुन दे देंगे और इसको हल्का सा चला लेंगे। ये देखिए अभी इसको चला लेंगे, थोड़ा ब्राउन होने तक चला लेंगे इसको। बहुत ज़्यादा अभी इसको नहीं पकाएंगे। तो देखिए अब जो है
ये लाल चटनी जो ये देखिए मैंने कटोरी में अलग करके रखा था पिसी हुई जो रेड चटनी, इसको डाल देंगे। अब इसको हल्का हल्का चला लेंगे। दस मिनट तक पकाने के बाद इसमें सोया सॉस डाल देंगे। देखिए ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ज़रा सा, मतलब हाफ चम्मच आप बोल सकते हैं, हाफ चम्मच सोया सॉस इसमें डाल लेंगे। और देखिए जैसे ही सोया सॉस डाला था इसका कलर कितना अच्छा, जो स्ट्रीट मोमो जो बेचते हैं ना मोमो वाले, बिल्कुल वैसे ही आइए। अब इसमें नमक देंगे, नमक सबसे लास्ट में देंगे तो इसलिए अभी नमक जो है स्वाद अनुसार नमक दे देंगे। तो देखिए नमक दे के थोड़ा हल्का से चला लेंगे। और ये देखिए ये एकदम ही लाल लाल जो मोमो की चटनी बन के तैयार। गैस को ऑफ कर देंगे, इसको अच्छा से चला लेंगे। तो देखिए अभी मोमो की चटनी बन के तैयार। आप भी इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये इतना अच्छा होता है दोस्तों, इसको आप चाहो तो फ्रिज में भी ठंडा करके बहुत दिनों तक रख सकते हो। आप पकौड़ी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ भी ले सकते हैं। और ये देखिए ये चटनी बन के तैयार। तो चलिए अभी गर्मा गर्म जो मोमो का मज़ा लेते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ एक तोड़ के कि इसका अंदर का जो मैंने जो इसमें स्टफिंग डाला था तो कितना अच्छा ये बना है, आप एक देख के ही आप समझ सकते हैं। ये देखिए, और बिल्कुल मॉइस्चर, वो जो मैंने मक्खन दिया था ना, वो छोटी सी एक ट्रिक्स है मोमो के लिए, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत ही स्वादिष्ट बना था दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही मज़ा आ गया मतलब खा के। तो अभी लॉकडाउन पीरियड है, आप भी घर पे ज़रूर बनाइए, खाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, इस रेसिपी को मेरा ज़्यादा से ज़्यादा। तो थैंक यू दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच। और मेरा ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और क्योंकि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है तो इसीलिए मैं कुछ ना कुछ नए लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ। और देखिए मेरा बेटा को कितना पसंद आया है, फटाफट से वो मोमो पूरा, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है मोमो। ये देखिए मेरे दोनों बच्चे अभी मोमो एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय, आपका दिन बहुत अच्छा जाए यही दुआ करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।